अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मशरूम की ग्रेवी। इसमें लगने वाली सामग्री है एक वाटी खोपरा, दो टमाटर, एक प्याज, एक टुकड़ा अदरक, सात आठ कलियां लहसुन की, एक टेबलस्पून जीरा, चार पांच इलायची, दालचीनी एक तीन चार, लौंग एक पांच छः और काली मिर्च एक छः सात। ये मसाले को अब हम पीस के लेंगे और साथ ही साथ हमने यहाँ मशरूम धो के कट करके रखे और इसमें कोथमीर भी डाल दिया है। हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब इसमें हम डालेंगे ऑयल। और एक टेबलस्पून इसमें हम डालेंगे ज़ीरा। और ज़ीरे को गोल्डन ब्राउन होने देंगे। हमारा ज़ीरा गोल्डन कलर का हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे जो मसाला हमने पीसा था, अब हमने इसको ऑयल में डाल दिया और इसको हम एक अच्छा दो मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे एक टेबलस्पून धनिया पाउडर और साथ ही साथ एक टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और एक नमक डालेंगे। नमक आप अपने हिसाब से स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और एक टेबलस्पून हल्दी डालेंगे और मसाले को अच्छी तरह से पकाएंगे और ऐसे ही चम्मच को चलाते हुए मसाले को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जब मसाला अपना कलर छोड़ेगा तो हम इसके अंदर मशरूम डाल देंगे। ये देखिए, अब ग्रेवी ने अपना कलर छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे मशरूम और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक हाफ वाटी वाटर डालेंगे और इसको एक पाँच मिनट प्लेट लगा के पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, अब हमारी मशरूम की ग्रेवी बनके रेडी हो चुकी है, इसका फाइनल लुक। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।